डीडीएम का चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन कराने का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस अकलियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। चार रुकनी अक्सरियती फैसले को तस्लीम करते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के मामले में खसूसी इम्तियाजी रवैये के तासुर को खत्म करें। शुरका का सदर मुमलिकत की जानिब से भी कानून साजी में रुकावट न बनने की उम्मीद का इजहार। जजेस पर मुश्तमिल बेंच बैठा और एक ऐसा फैसला आया कि पूरी कौम को भी इबहाम में मुब्तला किया। मजीद दो जजों ने भी उस पर बैठने से इनकार कर दिया। हम अदम एतमाद करते हैं मौजूदा बेंच पर। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस से भी इलेक्शन केस से अलहदा होने का मुतालिबा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन से मुतालिक केस में 9 रुकनी बेंच महदूद होकर 3 रुकनी हो गया। पीडीएम को इन 3 जजेस पर एतमाद नहीं, अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस को भी केस से अलहदा हो जाना चाहिए। इमरान खान इदारों में तकसीम चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम इजलास में नवाज शरीफ की भी ऑडियो लिंक के जरिए शिरकत। लीगी कायद ने तजवीज़ दी कि पीडीएम जमातों को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बायकॉट करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बेंच में साक़िब निसार ज़दा लोग शामिल हैं जिनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। यही बेंच माजी करीब में हुकूमत के खिलाफ कई फैसले दे चुका। अटॉर्नी जनरल पीर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें। नब्बे रोज में इलेक्शन न कराने पर इमरान खान का सड़कों पर आने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को दीगर जमातों से राबितों का टास्क दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले असेंबली बहाल की तो सोमोटो ठीक था, अब अदालत इलेक्शन का कह रही है तो ये सोमोटो के पीछे पड़ गए। इस्टेब्लिशमेंट से राबितों के लिए सदर आरिफ अलवी के किरदार की तरदीद। निगरा पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, बोले घर पर हमले का मुकदमा जल्द दर्ज कराऊंगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा कर दिया। खुशी शाह बोले, आईनी बहरान ने मुल्क को लपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट से रास्ता ना निकाला तो फिर कोई रास्ता नहीं। शेरी रहमान ने कहा, फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुसलसल नजरअंदाज होना सवालात को जन्म दे रहा है। सईद गनी बोले, फुल कोर्ट का मुतालिबा जायज है। शर्जील मेमन कहते हैं, 75 साल में आईन की बेतौकीरी आज तक नहीं हुई। हुकूमत आईन पर हमला कर रही है। भुट्टो के आईन पर हमले पर खामोशी की वजह क्या है? तहरीके इंसाफ, आईन, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई हुकूमत को खत्म करने के बाद अब अदलिया को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। असद उमर बोले, हुकूमत की चीखें अदालती बेंच की वजह से नहीं बल्कि इलेक्शन में हुकूमत को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नून लीग, जेयूआई और पीपी ने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी लेकिन किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। हमारा मौकिफ है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेयूआई की जानिब से कामरान मुर्तजा और पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक अदालत में खड़े हैं। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई हुकूमत में दायर रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना तहकीकात में नैब के नोटिस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में नैब के 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिसेस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।
इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को एक और मुकदमे में जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नौशहरा ने पुलिस को 19 अप्रैल तक हसन नियाजी की गिरफ्तारी से रोक दिया। पाक फौज के मजीद 4 जवान वतन पर कुर्बान। ईरान के सरहद के करीब बलूचिस्तान के इलाके कीच में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग, 4 जवान शहीद। शहदा में नाइक शेर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही इरफान और अब्दुल रशीद शामिल। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला ईरानी इलाके से किया गया। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल, ईरान से अपने इलाकों में फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की केच वाक़े की मजम्मत, शुहदा को खिराज अकीदत, अहल खाना से भी इजहार हमदर्दी। कहा दहशतगर्दी का खात्मा हमारा कौमी एजेंडा है, कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला बोले, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके दम लेंगे। आटे का हुसूल, एक और कीमती जान निगल गया। सरगोधा में आटा सेंटर पर धक्कमपेल से बुजुर्ग शहरी जान से गया। पिशावर में आटा सेंटर के बाहर बदनज़मी, पुलिस ने लोगों पर शेलिंग कर दी। फोर्ट अब्बास में फ्री आटा पॉइंट्स पर बदनज़मी रोकने के लिए पुलिस ने शहरियों पर डंडे बरसा दिए। महंगाई का तूफान न थमा, इस्लामाबाद में मार्च में 20 किलो आटे का थैला 1865 रुपए महंगा होकर 3160 रुपए का हो गया। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी 110 रुपए प्रति किलो हो गई। आटा, घी, तेल और सब्जियों के दाम भी बेलगाम। लाहौर में भी फल और सब्जियां महंगी, करेले और मटर 200 रुपए किलो, मटर टमाटर 130 रुपए किलो फरोख्त, अनार 600, सेब 300 और खरबूजा 200 रुपए किलो फरोख्त। कराची में नौरस चौरंगी पर राशन और जकात की तकसीम के दौरान भगदड़ से जाम बहक 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अदालत ने फैक्ट्री मालिक समेत 8 मुलजमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। महंगाई की शरह 35.37% तक पहुंच गई। शहरों में शरह 33%, जबकि देही इलाकों में शरह 38.9% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महाना महंगाई के आदाद शुमार जारी किए। गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 12% और आज ये शरह 35% हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, सनतें बंद और लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। MQM का मर्दम शुमारी पर एक बार फिर खदशात का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची 3.5 करोड़ का शहर है, 50 सालों में हमें गिनने का तरीका ही नहीं बदला तो इंसाफ क्या मिलेगा। पहले हर घर में 6 लोग रहते थे, अब हुकूमत समझती है 5 लोग रहते हैं। हर घर में एक शख्स का इंतकाल तो हुआ लेकिन इजाफा नहीं हुआ। क्या हमारा मुतालिबा जायज नहीं कि हमें दुरुस्त गिना जाए। कराची में माहिर चश्म डॉक्टर बैरबल कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर कुरैतुलैन का रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक